अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा फुल्की। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए ला। मैंने मैदा 200 ग्राम लिया है, दूध, पानी, तेल और टेस्ट के लिए नमक। बिस्मिल्लाह, देखिए नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा दूध ऐड करना और थोड़ा सा पानी ऐड करना और इसको अच्छे से गून लेना। देखिए मैंने आटे को अच्छे से गून लिया है। ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। चलिए इसे 15 मिनट अच्छे से भीगने देते हैं। बिस्मिल्लाह, देखिए मैंने 1/2 किलो कीमा लिया है, इसको अच्छे से गला लिया है। नमक थोड़ा डाल के, टर्मरिक पाउडर टेस्ट के लिए, नमक, गरम मसाला, मटन मसाला, लाल मिर्च पाउडर बनाने के लिए ऑयल, हरी धनिया, पुदीना, प्याज मैंने अच्छे से बारीक काट लिया है और शिमला मिर्च बारीक काट लिया है और थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, देखिए मेरा पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें ऑयल डाल रही हूँ 1/2 कप। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, बस इतना ही फ्राई करना है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। करेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, टेस्ट के लिए नमक 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला, मटन मसाला। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है। अब इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च, इसमें ऐड करेंगे कीमा, ये
चार से पाँच मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेना। चलिए इसमें ऐड करेंगे पुदीना और हरी धनिया। चलिए बस इसको हाफ कर देंगे फ्लेम को और इसको ठंडा करेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह। देखिए मेरा आटा अच्छे से भीग चुका है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए मैंने आटे को अच्छे से भून लिया। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। बहुत छोटे बनाना है। बिस्मिल्लाह। अब बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में बना के स्कूल को भेज सकते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है ये। इसमें खीमा ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए अब इसको अच्छे से सेक लेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। दोनों साइड सेक लेंगे ऐसे अच्छे से। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सा कलर आया है। देखिए दोनों साइड अच्छे से सेक लेंगे। इसको निकाल लें। देखिए मेरा खीमा फुल्की बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।